ये है बजाज पल्सर RS 200। इस बाइक को भी कंपनी ने अपडेट कर दिया है। इसमें अब E20 का सपोर्ट दे दिया है, BSX फेस 2 वाला इंजन दे दिया है और ये बाइक अब OBD2 के साथ में आती है। तो भाई इससे माइलेज पर भी इफेक्ट पड़ा होगा, प्राइस भी बढ़ गई होगी। और क्या क्या फीचर्स दिए हैं, इन सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में आसान शब्दों में मिल जाएंगे, क्योंकि मैं आपको इस बाइक के बारे में सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ, जिससे आपको पता लगेगा कि आपके बजट और आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको यह परफॉर्मेंस सेंट्रिक बाइक लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा। Rolling up over black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष हाजिर हूँ सभी के सामने एक बार फिर से परफॉर्मेंस सेंट्रिक बाइक के साथ। सबसे पहले बात करते हैं कलर की। ये बाइक जो है आपको मल्टीपल कलर्स में मिल जाएगी। अभी आपके सामने रेड कलर में खड़ी हुई है, मुझे पर्सनली ये बाइक जो है रेड कलर में ज़्यादा बेहतर लगती है। और इसी के साथ साथ इसमें एक वाइट कलर भी आता है और ये बाइक ग्रे एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन में भी आती है। ठीक है, पहले इसमें येलो कलर आता था, भाई ओ माय गॉड, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त लगता था, लेकिन कंपनी ने अब उसको बंद कर दिया है। आइए गाइस, अब बात करते हैं इस बाइक के डायमेंशंस की, यानी कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और वजन की। यह मोटरसाइकिल 166 किलो की है और इस मोटरसाइकिल में आपको ग्राउंड क्लियरेंस 157 mm का मिलता है। इसकी लंबाई है 1999 mm की, चौड़ाई है 765 mm की, ऊंचाई है 1114 mm की, व्हील बेस है 1345 mm का और इसकी सीट हाइट है 810 mm की। भाई जिस किसी की भी हाइट कम है, ये उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम दे सकती है, क्योंकि इसकी हाइट 810 mm की है। आइए अब इसको 360 डिग्री कवर करते हैं। ये है इस मोटरसाइकिल की प्रॉपर लेफ्ट प्रोफाइल, ये है इस बाइक की प्रॉपर राइट प्रोफाइल, ये है इस बाइक की प्रॉपर फ्रंट प्रोफाइल। आइए पास से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसके हेड हैंडल ORBM का पैटर्न जो है कुछ इस तरीके का है। सेंटर में बड़ा सा ट्रांसपेरेंट विंडशील्ड मिलता है, ये देखिए, जो कि थोड़ा बहुत डार्क शेड में है। ठीक है, बिल्ड क्वालिटी इसकी काफ़ी बेहतर है। इसके ORBM का जो पैटर्न है कुछ इस तरीके का है, ये इस तरीके से फोल्ड हो जाते हैं। अभी तो भाई नया है इस वजह से। यहाँ पर सेंटर में देखिए नंबर प्लेट लगाने का सेक्शन मिलता है और यहाँ पर ट्रिपल टोन मिल जाता है, ये देखिए ब्लैक, रेड एंड यहाँ पर ये ग्रे का शेड मिलता है। DRL मिल जाते हैं जो कि LED में है। इग्निशन के ऑन होते ही इसके DRL ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं, ये देखिए, काफ़ी बेहतर। आई पैटर्न में इस बाइक में प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप मिलता है। बाइक स्टार्ट होते ही इसकी हेडलाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है, ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त थ्रो है यार इसका, एकदम आई पैटर्न में इसकी हेडलाइट मिलती है। ये देखो, ये इसकी आईज हो गई और ये आईब्रो हो गई। गजब। इसका लो बीम हाई बीम भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, एक बंद हो जाती है, गजब। साइड टर्न इंडिकेटर्स थोड़े बहुत फ्लेक्सिबल मिलते हैं और ये भी LED में मिलते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। फ्रंट सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो भाई फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं। फ्रंट मडगार्ड का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है, ये देखिए, यहाँ पर कार्बन फाइबर फिनिशिंग दी गई है। दोनों साइड में रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं इसके सस्पेंशन पर। यहाँ पर ABS को मेंशन किया है। इस बाइक में 17 इंचेस के अलॉय व्हील मिलते हैं। अलॉयस का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। बात करते हैं इसके फ्रंट टायर की। फ्रंट में कंपनी ने MRF कंपनी के बेहतर क्वालिटी के टायर ऑफर किए हैं। टायर साइज भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि है 180/17। फ्रंट टायर में ग्रिप्स कुछ इस तरीके की मिलती हैं। इस बाइक में डुअल चैनल ABS मिलता है। फ्रंट व्हील में कंपनी ने 300 mm की डिस्क प्लेट दी है, जिसमें वाइब्रे के कैलिपर्स मिल जाते हैं, जिसकी वजह से इस बाइक का जो ब्रेकिंग सिस्टम है काफ़ी ऑसम हो जाता है। लेफ्ट साइड से मैं आपको इस बाइक की फेयरिंग दिखाता हूँ, ये देखिए, ओ माय गॉड, डुअल टोन मिलता है, रेड एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन काफ़ी बेहतर लग रहा है। यहाँ पर 200 को मेंशन किया है, काफ़ी अच्छा ग्राफिक दिया है। इसके टैंक का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है, यहाँ पर देखिए पल्सर को 3D में मेंशन किया है। टैंक पैड मिलता है कुछ इस तरीके के डिज़ाइन में। सबसे बड़े अपडेट की बात की जाए तो यहाँ देखिए E20 का सपोर्ट मिल गया है और इस बाइक में आपको 13 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है।
इस एंगल से मैं आपको इस बाइक के टैंक, हैंडल, ORBM के डिज़ाइन को दिखाता हूं, जो कि कुछ इस तरीके का है। आइए इसके सभी फीचर बटन देखते हैं। इसके लेफ्ट हैंडल पर डेडिकेटेड एक पासिंग स्विच, लो बीम हाई बीम स्विच, उसके नीचे साइड टर्न इंडिकेटर स्विच, उसके नीचे एक हॉर्न का स्विच मिलता है। इसके राइट हैंडल पर डेडिकेटेड एक इंजन किल स्विच मिलता है, उसके नीचे एक सेल्फ का स्विच मिलता है। क्लिप ऑन हैंडल बार मिलता है। इस बाइक के साथ में दो चाबियां मिलती हैं, ये देखिए वेब कीज मिलती हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसके इग्निशन को यहाँ पर राइट साइड में प्लेस किया गया है। इग्निशन के ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग है कुछ इस तरीके से होती है। इस मोटरसाइकिल में सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। लेफ्ट साइड में सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। सेंटर में RPM मीटर मिलता है भाई, जो कि एनालॉग में है, ये पल्सर का सिग्नेचर है। यहाँ पर देखिए फ्यूल गेज मिलता है, जो कि डिजिटल में है। और यहाँ पर एक डिस्प्ले मिल जाती है, जिसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं, जैसे कि गियर शिफ्ट इंडिकेटर मिलता है, साइड स्टैंड लगा हुआ है, ये देखिए डिजिटल क्लॉक मिल जाती है, और स्पीडोमीटर मिलता है, ऑडोमीटर मिलता है, ट्रिप मीटर मिलते हैं दो, ठीक है, DTE मिलता है, डिस्टेंस टू MPT, और क्या क्या है भाई, यहाँ देख लेते हैं, AFE मिलता है, ऑडोमीटर पे IFE भी मिलता है, यानी कि आप इसमें एवरेज भी देख सकते हो। ऊपर RPM लिमिट इंडिकेटर मिलता है। सिंगल हॉर्न मिलता है, देखते हैं कितना लाउड है। अरे भाई गजब। आइए गाइस अब वहाँ की बात करते हैं जहाँ से इस बाइक की परफॉर्मेंस निकल कर आती है। जी हाँ, अब बिल्कुल ठीक समझे इस बाइक के इंजन की। इस मोटरसाइकिल में कंपनी ने 199.5 cc का लिक्विड कूल्ड BS6 फेस टू वाला FI 4 स्ट्रोक 4 वाल्व DTSI टेक्नोलॉजी वाला एक बेहतर क्वालिटी का बजाज का इंजन दिया है। जी हाँ गाइस, इस बाइक में आपको 3 स्पार्क प्लग मिल जाते हैं। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 24.1 BHP की 9750 RPM पर, और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 18.7 Nm का 8000 RPM पर। इसके इंजन से आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है, पावर भी अच्छा है, टॉर्क भी अच्छा है, और इसी के साथ साथ माइलेज भी ठीक ठाक दे देती है। माइलेज के बारे में आपको प्रॉपर आगे बताऊंगा। इस मोटरसाइकिल में 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ गियरबॉक्स मिलता है, फर्स्ट डाउन ऑल अप, और इस बाइक में सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ फीचर भी मिलता है, लेकिन भाई इस बाइक में कोई भी सेंट्रल स्टैंड नहीं मिलता है। यहाँ पर देखिए राइडर फुटपैड इसका फोल्डेबल मिलता है, यहाँ पर ये एडिशनल प्रोटेक्शन दी हुई है। साइड पैनल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, जो कि डुअल टोन में है। इस बाइक की सीट का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। इस बाइक में स्प्लिट सीट मिलती है, इसकी सीट जो है राइडर और पिलियन के लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, लेकिन भाई सॉफ्ट उतनी ज़्यादा नहीं है। सीट काउल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। RS200 को यहाँ पर मेंशन किया है, ये ग्रैब हैंडल यहाँ पर ही मिल जाता है। पिलियन फुटरेस्ट फोल्डेबल मिलता है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है भाई इसकी, काफ़ी प्रीमियम है। बात करते हैं इसके रियर सस्पेंशन की। रियर में कंपनी ने मल्टी स्टेप एडजस्टेबल नाइट्रॉक्स मोनोशॉक एब्जर्वर विद कैनिस्टर सस्पेंशन दिया है। यहाँ पर ये मड फ्लैग मिल जाता है, और यहाँ पर टायर हगर मिलता है, जिसकी क्वालिटी कैसी है आप खुद ही देख लो भाई। इस बाइक में नेकेड चैन सेट मिलता है, यहाँ पर ये साड़ी गार्ड मिल जाता है, लेकिन कोई भी लेडी फुटरेस्ट नहीं मिलता है। बात करते हैं इसके रियर टायर की। रियर में भी कंपनी ने MRF कंपनी के ही बेहतर क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर ऑफर किए हैं। इनका साइज भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि है 130-70-17। ये है इस बाइक की प्रॉपर रियर प्रोफाइल, ये देखिए। टेल लाइट का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, जो कि LED में मिलती है, काफ़ी ज़बरदस्त। साइड टर्न इंडिकेटर भी LED में मिलते हैं। नंबर प्लेट लाइट की अगर बात की जाए तो ये भी LED में मिलती है, ये देखिए काफ़ी बेहतर। यहाँ पर एक रिफ्लेक्टर मिल जाता है। बात करते हैं इस बाइक के रियर ब्रेकिंग सिस्टम की। गाइस, इस बाइक में आपको डुअल चैनल ABS मिलता है। रियर व्हील में कंपनी ने 230 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम लगाकर दिया है। इस बाइक के एग्जॉस्ट का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर एंड स्पोर्टी लग रहा है, काफ़ी ज़बरदस्त। साउंड भी इसका सुनेंगे, यहाँ देखिए पिलियन फुटरेस्ट फोल्डेबल, राइडर फुटरेस्ट फोल्डेबल, रियर ब्रेक लीवर, और इस बाइक में कोई भी किक स्टार्ट का फीचर नहीं मिलता है। DTSI टेक्नोलॉजी है, ट्रिपल स्पार्क प्लग इसमें मिलते हैं। आइए अब इस बाइक को स्टार्ट करते हैं और इसका इंजन साउंड सुनते हैं। इग्निशन के ऑन होते ही ये देखिए फीचर बटन पर लाइट ऑन हो जाती है। चलो भाई, दूसरे अटेम्प्ट में ये बाइक स्टार्ट हो गई है। Yeah.
मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूंगा शंकर बजाज को, जिन्होंने यह बाइक मुझे प्रॉपर रिव्यू के लिए प्रोवाइड की है। इनका ये शोरूम उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के मेन सिटी इटावा में है। इनका नंबर और इनका एड्रेस आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। यदि आपको बजाज की कोई भी बाइक लेनी हो तो आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आइए गाइस, अब बात करते हैं इस बाइक के प्राइस, माइलेज, वारंटी, प्रोज एंड कॉन, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की। बजाज कंपनी अपनी इस नई बाइक पर 5 साल की स्टैंडर्ड वारंटी देती है और 75,000 किलोमीटर तक स्टैंडर्ड वारंटी देती है, जो कि इस सेगमेंट में इस बाइक की वारंटी सबसे ज़्यादा है। माइलेज की अगर बात की जाए तो भाई आप इस बाइक से मैक्सिमम 35 तक का माइलेज निकाल सकते हो। फिर वो आपकी राइडिंग पर डिपेंड करता है और आपकी बाइक की कंडीशन पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं इसके सभी वेरिएंट्स की और उनकी प्राइस की। ये बाइक जो है एक ही वेरिएंट में आती है, लेकिन आपको इसमें कलर बहुत सारे मिल जाते हैं। प्राइस की अगर बात की जाए तो भाई इसकी एक्स शोरूम प्राइस स्टार्ट होती है 1,72,000 रुपये से और यह बाइक ऑन रोड लगभग आपको 2,05,000 रुपये के आसपास मिल जाएगी। प्राइस का आपके रफ आइडिया ही माने, क्योंकि हर स्टेट की, हर डिस्ट्रिक्ट की और हर शोरूम की जो प्राइस होती है वो अलग अलग होती है। आप प्लस माइनस 2-3 हज़ार रुपये लेकर चल सकते हो। अब बात करते हैं इस बाइक के प्रोज एंड कॉन की, यानी कि प्लस पॉइंट एंड नेगेटिव पॉइंट की। सबसे पहले बात करते हैं इसके प्लस पॉइंट की। देख लेता हूँ भाई क्या क्या प्लस पॉइंट मिलते हैं इसमें। ये बाइक जो है एक परफॉर्मेंस सेंट्रिक बाइक है, इस वजह से इस बाइक से आपको काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस मिलती है, जो कि इसके प्रोज में जाती है। और अब तो इस बाइक में आपको E20 का भी सपोर्ट मिल गया है, BS6 फेस 2 वाला इंजन मिल गया है, इस वजह से ये बाइक जो है अब फ्यूचरिस्टिक बाइक हो गई है। इस बाइक में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप मिलता है, जिसका थ्रो जो है काफ़ी ज़बरदस्त है भाई। और यदि अगर प्रोजेक्टर LED में होता ना तो भाई इसकी कॉस्ट बढ़ जाती, ठीक है। और इसी के साथ साथ अगर कोई भी बात होती, अगर आपको चेंज कराना पड़ता तो भाई कम से कम नहीं तो 5-7 हज़ार रुपये के प्रोजेक्टर आपको LED में मिलते, लेकिन ये आपको बहुत कम रेट में मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये इसका ये एडवांटेज है भाई, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। नहीं तो आप ये सोचो कि भाई LED में होते तो और बेहतर रहता। पहले तो इसकी प्राइस बढ़ जाती, बाद में आप इसमें जब डलवाते तो उसकी और भी ज़्यादा आपसे प्राइस लगती। तो इसका ये हो गया एडवांटेज। और इसी के साथ साथ डिज़ाइन की अगर बात की जाए तो मुझे पर्सनली इस बाइक का डिज़ाइन जो है काफ़ी बेहतर लगता है स्टार्टिंग से ही, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई ऑड लग रहा हो, एकदम बेहतर। तो आगे भी इसका डिज़ाइन जो है एवरग्रीन रहने वाला है। और अब बात करते हैं इसके कॉन की। कॉन की अगर बात की जाए भाई तो इसमें सेमी डिजिटल मीटर मिलता है, हालाँकि जो इसका जो RPM मीटर है ना वो पल्सर का सिग्नेचर बना हुआ है, तो उसको तो आप मानकर ही चलिए, उसके बिना ये बाइक जो है अधूरी है। तो ये प्लस पॉइंट हो गया। हाँ, कॉन आपका ये मान सकते हैं कि इस बाइक में ब्लूटूथ की भी कनेक्टिविटी आ जाए और इसी के साथ साथ जो इसका डिजिटल मीटर है वो थोड़ा सा और बड़ा हो जाए, थोड़ा सा और एडवांस हो जाए। इस बात में तो मैं आपके फेवर में हूँ। और कॉन की बात की जाए तो भाई नहीं है, इस बाइक में आपको डुअल चैनल ABS मिल जाता है, जो कि इसके प्लस पॉइंट में चला जाता है। चलो भाई, काफ़ी बेहतरीन ये बाइक है। मेरे फाइनल बजट की अगर बात की जाए तो भाई ये बाइक जो है मैं आपको 100% रिकमेंड करता हूँ, लेकिन ये बाइक जो है एक परफॉर्मेंस सेंट्रिक बाइक है, तो इसकी मैं प्रॉपर राइड भी करने वाला हूँ। इसके साथ में जो भी मेरा राइडिंग एक्सपीरियंस रहेगा वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। यदि उसमें मुझे कुछ भी कॉन लगेगा तो वो मैं आपको डेफिनेटली बताऊँगा। उस वीडियो को देखने के लिए आप टेक्निकल SST YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेक्निकल SST Instagram पर भी फॉलो कर लीजिए। जैसे ही वीडियो अपलोड होगी, जैसे ही पब्लिश होगी, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो दोस्तों बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल या फिर कोई भी सुझाव हो कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई टेक्निकल SST यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और इम्पॉर्टेंट वीडियोस, भाई इम्पॉर्टेंट वीडियोस समय समय पर लाता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।